अंजलि को याद आती है कि उसकी डॉक्टर ने इस सप्ताह में ग्लूकोज की परीक्षा के लिए उसे बुलाया था। तो अंजलि अस्पताल डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। डॉक्टर अंजलि का खून जेस्टेशनल डायबिटीज यानी गर्भावस्था का मधुमेह है या नहीं इसकी जानकारी के लिए टेस्ट करते हैं। ज़्यादातर 24वें सप्ताह में यह टेस्ट करते हैं। 2-3% गर्भवती महिलाओं में गर्भावस्था मधुमेह हो सकता है, पर इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि यह ज़्यादातर महिलाओं में प्रसव के बाद चले जाता है। यह मधुमेह गर्भावस्था के समय प्लासेंटा कुछ हार्मोन्स का उत्पादन करता है जिनसे थोड़े महिलाओं में इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, यानी इंसुलिन हार्मोन जो हमारे शरीर में शक्कर का मात्रा को कम रखता है वह ठीक तरह से काम नहीं करता है और इसके वजह से रक्त का शक्कर बढ़ना शुरू होता है। डॉक्टर अंजलि के वजन देखते हैं और कहते हैं कि आने वाले हफ्तों में अंजलि का वजन और बढ़ सकता है। गर्भावस्था के इस सप्ताह में बच्चे की त्वचा अभी भी पतली है और पारदर्शी है, लेकिन अभी भी परिवर्तन से गुजर रहा है। बच्चा का वजन लगभग 750 ग्राम होता है और वह 14 इंच लंबा हो गया है और वसा के जमा होने के कारण उसके शरीर के तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है। तो इस सप्ताह के अंत तक अब अंजलि अपने दूसरी ट्राइमासिका का अंत तक आ गई है। तो अगले हफ्ते में क्या होता है उसे देखने के लिए न भूलिएगा।